अटैक ना कर दिए। ओए अच्छा बुड़का भरा था। रोक को देखो भाई, रेड किंग को कितने ध्यान से देख रहा। सबके फेस देखो भाई, कितने ज्यादा क्यूट क्यूट लग रहे। पूरा एग्रेशन है भाई इसमें तो। ग्रिप को लेकर बिल्कुल बेड़िया सी लग रही। ऐसा लग रहा जैसे भाई कहीं कोर्स हो। सारे सारे कैसे चिपटके हो रहा है उत्तरी। ये देखो भाई सामने क्या। फाइनली आ गया भाई हमारा सिल्वर प्ले बटन। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल थ्री डोकन। और गाइस बिल्कुल अभी सो उठा, नींद में हुआ दी तो इसने भाई रेड किंग ने चिल्ला चिल्ला का उठा दिया। अब भाई से नीचे लेकर फ्रेश वगैरह करवाता हूँ, देखना भाई कैसे मस्ती कर रहा। और गाइस आज सिम्बा इसके ज्यादा पास ही नहीं आ रहा, बिकॉज भाई उसका टक्कर मार दे ना। तो गाइस अब आप लोगों को अपना पिजन दिखाता हूं, जो भाई मैंने कल रेस्क्यू किया था। ये बैठा भाग गया। क्योंकि अगर भाई उड़ने में बिल्कुल परफेक्ट होता फिर तो भाई मेरे हाथ ही नहीं आता। देखता हूँ भाई राइडिंग कुछ करेगा, अटैक ना कर दिए। ओए अच्छा बुड़का भरा था। अबे साले यो तो भाई का बुड़का भरा था, अब नहीं भाई के पास लेकर जाऊं। तो भाई सब ऊपर चलता हूँ, भाई ऊपर छोड़ करता हूँ, उन सबको नीचे लेकर आऊंगा। अलग अलग ड्यूटी हो रही भाई सबकी। काश भाई की किसी की साथ ना बजती, फिर देखना भाई कितना मजा आता। बात तो सही है। और गाइस देखो सीधा अपने घर में जा लिया। अब भाई इन सबको नीचे लेकर चलता हूँ, देख लो भाई डबल डबल फिरकी बन रही मेरी। एक बार उसे लेकर आऊँ, एक बार ना लेकर आऊँ। और गाइस को ना शाम खाना नहीं खाया था, पता नहीं इसका क्या हो गया। इसने भाई उल्टी भी कर दिया, तो भाई ने नीचे आकर कुछ उल्टी सीधी चीज खा ली, जैसे की भाई रोटी वगैरह हुई। क्योंकि भाई ऐसी ऐसी हरकत कर दिया। और गाइस थोड़ी देर में उस फीमेल को भी देखना जाऊंगा, जो भाई मैंने कल रेस्क्यू करी थी। कोको की बच्ची तो घुसगी, देखना भाई ऐसे ऐसे उल्टे पुल्टे काम करे जाए। चलो भाई चलो सब ऊपर चलो, जा लिया भाई सारे के सारे लाइन लगा के। रोक को देखो भाई रेड किंग को कितने ध्यान से देख रहा। ओए 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 साले को बम से उड़ा दूंगा। बट भाई केज हो गया बीच में, इस वजह से भाई कोई दिक्कत नहीं है। कमर के बाल भी सीधे हो गए रोक के। तो चलो भाई शुक्र है मेरे पास केज है, वरना भाई इन दोनों को तो एक साथ रख भी नहीं पाऊंगा। तो गाइस अभी अभी एक गुड न्यूज आई, मेरा भाई प्ले बटन आने वाला है आज या फिर कल में भाई मेरा प्ले बटन आ जाएगा। तो गाइस रख जैसा वीडियो को सुखाना। अब भाई चलता हूँ उस फीमेल के पास। तो गाइस अभी उस फीमेल के पास जाने से पहले मोटर के पास आ गया, आ गया टाइसन भी। और गाइस ये रश का पप्पी सेल के लिए भी, अगर भाई किसी को लेना हो तो गाइस ले सकते हो। वैसा तो भाई जर्मन शेफर्ड बढ़िया लगा है बालू से, देखना भाई कितना ज्यादा क्यूट लग रहा। और गाइस मैं नंबर डाल दूंगा, अगर भाई किसी को लेना हो तो गाइस ले सकते हो, कुछ ज्यादा हाई प्राइस में नहीं है, मीडियम प्राइस में है। चलता हूँ भाई अब उस पिटबुल की फीमेल के पास, ठीक है बॉबी डोन। और गाइस यहाँ पे बॉबी डोन की जूली हो गया, अटैक मत कर दिए। नहीं क्या हाल है, बढ़िया। कहाँ है तेरी फीमेल? वैसे तो भाई इसका थोड़ा आराम लग रहा मुझे आज, क्योंकि भाई कल तो इसका हल्का हल्का ब्लड भी आ रहा था। कोई नहीं भाई धीरे धीरे आराम लग जाऊंगा, लगाता हूँ भाई इसका इंजेक्शन वगैरह। वैसे भाई इसका हाथ लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्रेंडली है। बस भाई ठीक हो जाए, सबसे बड़ी बात यही है हम तो भाई अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहे। और गाइस मैं सोच रहा इस वाली फीमेल को थोड़ा अलग कर दे, क्या पता भाई फंगस फैल जाए, क्योंकि भाई स्किन प्रॉब्लम है, एक डॉग से दूसरे डॉग में फैल जाए जल्दी। तो गाइस इंजेक्शन वगैरह तो लगा दिए, अब भाई सोच रहा रोके पप्पी के पास चलता हूँ, पास ही है यहाँ से भाई दूसरे गाँव में है रोके पप्पी, चल के भाई देखता हूँ। चल ठीक है बॉबी डोन, बाय 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 बाय। तो गाइस अभी रस्ते में देखो भाई व्हाइट पिजन मिला, बच्चे ले रहे थे, हाथ लगा लो इसका, उड़ा तो नहीं आजा भाई नन्ने मुन्ने ना छोड़ने का ना, तो आवे मेरे पास पकड़ने। सुबह सुबह एक जंगली कबूतर पकड़ा था, मेरे पास एक जंगली कबूतर है, उसकी एक आंख फूट रही, क्या करूं? कैप्सूल गिर गया। कैप्सूल कौन सा? आवे कैम खोकर हो जाएगा ठीक। तो गाइस आगे पप्पीज के पास, और गाइस देखना भाई सारे के सारे फीडिंग करने लग रहे, अटैक तो नहीं करने क्या? देखना भाई सारे के सारे कैसे देख रहे अपनी माँ को, या भाई बाहर आ गई ना, ये भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे। यो वाला तो भाई बाहर ही आ गया बिल्कुल, देखना भाई लटक गया। अरे आ गया आ गया आ गया, शाबाश बेटा। सबके फेस देखो भाई कितने ज्यादा क्यूट क्यूट लग रहे। पप्पीज में रिंकल देखो भाई ऐसे आ रहे, रिंकल तो जैसे भाई पाकिस्तानी बुल्ली हो, देखना भाई पूरा का पूरा पप्पी रिंकल सा भरा पड़ा, इतने रिंकल तो भाई मैंने पाकिस्तानी बुल्ली में देखे। ये दोनों पप्पी कह रहे हमें बाहर निकाल दो, हमारी क्या गलती है, निकालते हैं भी बाहर, आ जाओ भाई नन्ने मुन्नो। तो गाइस आगे सारे के सारे पप्पीज बाहर निकल गए, लग गए भाई अपनी माँ का दूध पीने। बट भाई अब तो गप्पी इनसे बचती फिर है, क्योंकि भाई अब ये बुढ़के बनने लगे, अब तो भाई जबरदस्ती दूध पिलाना पड़े। अभी तो देखना भाई और जितने ज्यादा बड़े होते जाओगे इतनी ज्यादा इनकी माँ दूर जाती जाएगी, वरना भाई जब ये छोटे छोटे से थे जब तो भाई पूरा एग्रेशन कर रही थी हमारे ऊपर। और गाइस मुझे तो इस वाले पप्पी की सोच आ रही, भाई रिंकल देखो भाई कितने ज्यादा आ रहे इस पप्पी में। इस वाले पप्पी का मुझे कलर बेस्ट लग रहा, इसका कलर बढ़िया बनेगा। सब इन सबको बाय बाय करते हैं, चलते हैं वापस। तो गाइस अभी रास्ते में दोस्त के पास आए थे, ये भाई का पिटबुल है। और गाइस इसका कलर देखकर मुझे कुछ कुछ उन पप्पीज की याद आ रही, उनमें से भाई एक पप्पी का सेम टू सेम ऐसा ही कलर है। बेटा ज्यादा बड़ा हो गया, तो नाम क्या है भाई इसका? पोल। तो गाइस पोल है इसका नाम। गाइस अभी पोल की माँ की ग्रिप लगवाते हैं, पोल तो भाई ग्रिप थोड़ा कम लगा हुआ है, बट भाई इसकी माँ पूरी ग्रिप लगा हुआ है, देखना भाई कैसा एग्रेशन करने लगे अभी सही, या तो भाई पूरी चरचरी है। एक बार हाथ में आ जाए तो गाइस अभी टायर ले लिया मैंने हाथ में, देखता हूँ भाई ग्रिप लगा हुआ क्या। लो भाई लगा ली सुना तो ग्रिप है, तो भाई दूसरी कोको ही है। पूरा एग्रेशन है भाई इसमें तो, ग्रिप को लेकर देखना भाई कैसे झटके बजा रही, बिल्कुल हवा में झूलेगी, देखना भाई या तो भाई कैडी ग्रिप लगा हुआ है। बट भाई वो मेल थोड़ा कम ग्रिप लगा हुआ है, ये देखो भाई आगे भी इसके पास, इसके अंदर वो वाला एक्साइटमेंट नहीं है जो भाई फीमेल के अंदर है, समझ रहे हो? दो पूरी ज्यादा ग्रिप नहीं लगवाते, भाई पोल तो खुद ही आ गया वापस, बट भाई वन टायर को छोड़ रही। और गाइस थोड़ी देर में और भी डॉग्स दिखाऊंगे, रुको जरा, क्योंकि भाई यहीं पे आसपास काफी सारे डॉग्स है मेरे दोस्तों के। तो गाइस अभी सामने से ग्रेट डेन का मेल आ गया, देखना भाई कितना ज्यादा जॉइंट है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे भाई कटड़ा सा हो। एज कितनी होगी भाई इसकी? डेढ़ साल। तो गाइस डेढ़ साल की एज होगी इसकी, और गाइस वीडियो में जज ना कर पा रहे होंगे बट भाई पूरा जॉइंट है। मैं सोच रहा ताकत कितनी होगी इसके अंदर, अगर भाई गली में घुमाने लेकर जावे, ये तो भाई एक हल्के से इंसान को धरती में मारेगा, देखा।
वैसा भाई रियल लुक तो इसका आ रहा, देखना भाई क्या टॉप का लग रहा। तो गाइस अभी थोड़ी देर में हस्की की फीमेल आने लग रही, हस्की भी दिखाते हैं, देखना भाई कितनी टॉप लग रही। इसकी कितनी एज होगी? 2.5-3 महीने। इसकी भाई 2.5-3 महीने की एज होगी। आंख देखो भाई कितनी ज्यादा क्यूट है इसकी। ओ भाई सो बिल्कुल बेड़िया सी लग रही। नीचे छोड़ दे, भाग जाएगी। तो गाइस ज्यादा नहीं छोड़ रहे, क्या पता भाई इधर उधर भाग जा, क्योंकि भाई हस्की थोड़े इधर उधर निकल जावे, ये भाई बुलाने से कम आवे। एक दोस्त के पास और आगे, और गाइस भाई के पास ही अमेरिकन बुल्ली का मेल है, डेविल है भाई इसका नाम। बिल्कुल फ्रेंडली है, काफी देर से खेल रहा था भाई मैं इसके साथ। भाई बता रहे हो छोटा सा पड़े हो, बट भाई किसी से अंडर था, किसी भी डॉग के पीछे भाग जावे, पीछे घुमा फिरा के लाते हैं। और गाइस यहां पे हमारे ये सब्सक्राइबर मिल गए। हां भाई मेरा कौन सा डॉग बढ़िया लगा? रॉक बढ़िया लगा। कोको नहीं लगती? अरे ना बिना बात में ना चिपटती किसी के। कोको ना तो भाई जब से मेरे ऊपर अटैक करा सब डरने लगे उससे, वैसा ना भाई वा किसी को कुछ भी कहती। तो गाइस अभी अपने साथ घुमा कर ला रहे, और गाइस इसका लुक कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे भाई केन कोर्सो। देखो भाई ध्यान से दिखाता हूँ, इसका फेस ऐसा लग रहा है जैसे भाई केन कोर्सो। वैसा भाई केन कोर्सो नहीं है, बट भाई थोड़ा लुक ऐसा ही लग रहा, समझ रहे हो? केन कोर्सो तो भाई है पिछले वाला। अगर भाई ग्रे कलर की जगह पे ब्लैक कलर का होता फिर तो भाई बिल्कुल ही केन कोर्सो लगता। सारी वीडियो देख रखी मेरा भाई भी, वो भी देख। तो आप फिर कभी गाओ, मैं सभी से मिलवाऊंगा। तो गाइस बेटा बिल्कुल टाटा बाय बाय करते हैं, और गाइस अब सीधा घर पर जाऊंगा, काफी देर होली भाई ऐसे ही घूमते घूमते। ठीक है बाय बाय, मिलते हैं जल्द, बाय बाय। और गाइस मौसम देखो भाई कितना कैडा हो रहा, ये देखना भाई कितना टॉप मौसम हो रहा। आज का तो पूरा दिन ऐसे ही होगा घूमते घूमते, भाई सीधा घर वापस चलूंगा। तो गाइस अभी घर पे एंट्री होगी, और गाइस आते भाई रोक्सी मिल गई, चिंटू मिल गया, ये भी भाई नु कहते हैं सुबह से कार्ड बोल रहा। आंखों के देखो भाई क्या बैंड बज, मच्छर गिर गिर गए। ये देखना भाई सारे सारे कैसे चिपट गए, और उतरी ये देखो भाई सामने, ये क्या बंदर, अरे रोकू तेरे लाख में बंदर। देखना भाई कैसा लोट लगा रहा, अरे जा के नहीं रहा हूं ओए, बिल्कुल नहीं डर रहा, तो मुझे घूर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, रोक आ गया साइड। लो भाई दूसरा रोक भी आगे लट लेगा, इन सब पे भाई साइड आया नहीं जा रहा, कोशिश तो भाई अभी कर रहे, नुकसान तो नहीं कर रहा। क्या क्या लेकर गए, किसकी है पैंट? इसकी पैंट फाड़ दी भाई भगत की। रुको जरा, मेरी शर्ट कहाँ है? उत्तरी मेरी शर्ट देखो भाई कहाँ टांग रखी बंदरों ने। रोको क्या हो रहा तेरे इलाके में? बंदरों ने भाई छत का पूरा फायदा उठाया, क्योंकि भाई साइड डॉग नहीं आ सकते ना। लो भाई क्या हाल करा, देखिए मेरी शर्ट का साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बट भाई चलो कोई नहीं, हो गया तो हो गया, एक काम कर वापिस ही नहीं देता पैर लेंगे। वो बैठा भाई पेड़ की चोटी पे, पता नहीं भाई क्या कर रहा था मेरे कपड़ों का, जो भी लेकर वो तो भाई सच में लेकर भाग गया। देखना भाई वो ले रहा मेरी पैंट को, हाँ कर लेके कर पैर ले से, और अरे अरे लेकर भाग गया। और गाइस सामने रोक्सी को देखो भाई, रोक्सी नीचे से बंदर भगा रही, रोक नु कहता होगा मेरी मजबूरी थी इस साइड ना आने की। बट भाई चलो कोई नहीं, एक बार भाई साइड गेट लग जा फिर भाई कोई दिक्कत नहीं, फिर मेरे डॉग्स इस साइड आ सके, अभी भाई ने की थोड़ी मजबूरी हो रही, समझ रहे हो? और गाइस बंदरों ने इसी मजबूरी का फायदा उठा के मेरे कपड़ों का चीरहरण कर दिया। रेड किंग से तो मिला ही नहीं गया, क्योंकि भाई सीधा का बंदर मिल गए, अब भाई चलकर रेड किंग से मिलता हूं। गाइस अभी सोच रहा रेड किंग को इस छत पर बांधता हूं, फिर भाई कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई रोक तो अकेला वहां पर रहने का नहीं, रेड किंग भाई थोड़ी बहुत रखवाली भी कर लगा। बात तो सही है। और गाइस उन सबको नीचे भेज दिया, इस वजह से भाई सा खुला छोड़ा, अब भाई सा उस साइड लेकर चलता हूं, इस छत पर बांधूंगा। रेड किंग बंदरों को नाड़ दिया बिल्कुल भी ठीक है, वैसा तो भाई गार्डिंग बढ़िया कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तक भाई मैं घर पे नहीं था, इस वजह से भाई थोड़ा नुकसान हो गया, वरना भाई रेड किंग को पहले उस साइड बांध देते, क्योंकि भाई बंदरों को मौका मिल गया हमला करने का, तुरंत भाई मौके पर चौका लगा दिया। लेकर चलता हूँ भाई, और आ रहा है तो भाई खुद ही जा लिया, चल 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 जा लिया भाई जा लिया। और गाइस बांध मैं इस वजह से रहा यहाँ पे, क्या पता भाई मेरे पीछे पीछे आ जा, अब भाई बंदरों को थोड़ा ये लगा कि यहाँ पे डॉग है, फिर भाई वे खुद ही नहीं आने गए। देखना भाई आते कैसे पैर फैला के लेट गया, अगर भाई रोक की दिक्कत ना होती मैं पूरी छत पर खुला छोड़ देता, क्योंकि भाई सभी को पता है एक बार बजी काम खत्म खत्म। अब भाई बाकी डॉग्स को भी ऊपर बुलाता हूँ, मैंने भाई नीचे बंद कर दिए थे, डर चढ़ रहा है तो। सही कह रहा वैसा भाई, बट भाई चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। सोच रहे उस फीमेल के पास चलते हैं जिसका भाई एलर्जी हो रही, सुबह तो भाई मैं उसका इंजेक्शन लगा था, बट भाई अब उसका थोड़ा तेल वगैरह लगा करता हूं। गाइस सामने से देखो भाई लूसी आने लग रही, आज तो भाई मैंने काफी दिनों के बाद देखी। हाँ भाई कहाँ रह लगा आजकल? बीमार तो चल रही है, चल रही चल रही लोंडी तू। लूसी को देखो भाई कितनी ज्यादा क्यूट लग रही, क्योंकि भाई गोल्डन रिट्रीवर बढ़िया लगा। सामने से रोकी देखो भाई कितने ध्यान से देख रहा है, बट भाई रोकी इसके ऊपर अटैक वटैक नहीं करने का, देखना भाई कितने आराम से मिल रही। चल ठीक है बाय बाय लूसी, फिर मिलते हैं, और लेकर आया कर इसका घर पे, कल को घुमाने लेकर चलेंगे, ठीक है डन। तो गाइस आगे फीमेल के पास, इसका भाई ट्रीटमेंट करते हैं सबसे पहले। तो गाइस कर दिया इसका ट्रीटमेंट, देखते हैं भाई अब कितने दिन लगे ठीक होने में। वैसे भाई का लेके मुकाबले थोड़ा बहुत तो आराम है, धीरे धीरे हो जाओ कोई नहीं। तो गाइस फीमेल का ट्रीटमेंट करते हैं भाई, गुड न्यूज आ गई, मेरा भाई सिल्वर प्ले बटन आ गया, चलता हूँ भाई लेकर आता हूँ। वैसे भाई घर आने में रात ही हो जाओगी, क्योंकि भाई अभी रात होगी, फिर भाई आने के बाद एडिटिंग भी करनी, आज तो भाई बैंड बजने वाली, बट भाई एक अलग लेवल की खुशी है, क्योंकि भाई मेरा सिल्वर प्ले बटन आने वाला, मैं तो भाई देखूंगा भी फर्स्ट टाइम लाइफ में, तो नहीं देखा रहा कभी, मंदिर के पास ही आ रहा, साथ भाई प्रसाद चढ़ा के भी चलूंगा, फाइनली आ गया भाई हमारा सिल्वर प्ले बटन। और गाइस मतलब लाइफ में देखूंगा भी फर्स्ट टाइम ही, जिसके अनबॉक्सिंग कल को करूंगा दिन में, लेते हैं प्रसाद वगैरह, क्योंकि भाई सामने मंदिर है, साथ साथ भाई प्रसाद चढ़ा के चलेंगे। तो गाइस अभी बाइक चला चला के बैंड बजेगी, वीडियो का एंडिंग यहीं पे करता हूँ, वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और गाइस लास्ट में सब्सक्राइब और कर देना, और गाइस सबसे मेन थैंक यू सो मच।